我倒是想法。इस एपिसोड में एल्डर तियांग, हॉन्ग लॉन्ग को जुआन और शेन और केन नान और साथ में एल्डर मियाओ मियाओ यानी कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ अब एल्डर बन चुकी थी, उन सब को लेकर के फ्लाइंग बोट से वो युआन पवेलियन की ओर लेकर के जा रहे होते हैं। तभी सीनियर ब्रदर शेन उठ करके वहां पे एक बड़ी सी वेल को देखता है जो कि उनकी बोट से कूद करके दूसरी ओर जा रही होती है। वेल को देख करके सीनियर ब्रदर शेन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि ऐसी चीज उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी थी, इसलिए वो खड़ा हो जाता है और उस वेल को देखने लगता है और तभी वो वेल उसके मुंह पे पानी मार के वहां से चली जाती है। तभी ब्रदर शेन मास्टर तियान से कहता है कि मास्टर आखिर वो युआन पवेलियन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मास्टर तियान कहते हैं कि वहां पहुंचने के लिए हमें अभी लगभग एक दिन लगेगा क्योंकि लिए वो युआन पवेलियन 3 साल में सिर्फ एक बार अपीयर होता है इस लोअर रेलम में। और तभी एल्डर तियांग कहते हैं कि शैन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने सारे के सारे टोफू एक ही बार में सफा चट कर दिया। तभी ब्रदर शैन कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, वो टोफू मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे थे और मुझे लगा हम लोग कुछ घंटों में ही वो युआन पवेलियन में पहुंच जाएंगे, इसलिए मैंने वो सारे के सारे टोफू खा लिए। ब्रदर जुआन कहता है कि मास्टर तियांग क्या आप हमें वो युआन पवेलियन की हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि वो 3 साल में सिर्फ एक बार इस लोअर रेलम में अपीयर होता है। तभी प्रिंसेस मियाओ मियाओ इन सब की बात को सुनकर के कहती है कि जाने क्यों इन गधों को इस छोटी सी जगह के बारे में जानने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तभी प्रिंसेस मियाओ मियाओ की बात एल्डर तियांग सुन लेते हैं और तभी एल्डर तियांग कहते हैं कि एल्डर मियाओ मियाओ शायद आपको वो युआन पवेलियन के बारे में नहीं पता है इसीलिए आप ऐसा कह रही हैं। और तभी मास्टर तियांग बताते हैं कि कैलंग कॉन्टिनेंट को 2 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, पहला है अपर रीजन, दूसरा है लोअर रीजन। लोअर रेलम की बात की जाए जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे टोटल 100 नेशंस हैं। जब हम अपर रेलम की बात करते हैं यानी कि वो युआन पवेलियन की, तो उस जगह की कोई भी सीमा नहीं है। तुम लोग को याद होगा कि मैंने तुम लोगों को कॉम्पिटिशन के दौरान बताया था कि तुम लोगों को यहाँ पे जुआन तुआन रेलम पे ब्रेक थ्रू नहीं करना है। इसकी वजह ये थी कि वो युआन पवेलियन में प्योर हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी है। अगर तुम लोग वहाँ पे जुआन तुआन रेलम पे ब्रेक थ्रू करोगे तो तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनकर के तभी केन नान कहता है कि मास्टर तियान क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो युआन पवेलियन आखिर इस सी में ही क्यों अपीयर होता है, ऐसा क्यों है, आपके अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन हमेशा बदलती रहती है, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तभी मास्टर तियान कहते हैं कि किन्नान ये सवाल तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है मगर मैं चाहूँगा कि तुम इसके बारे में खुद से ही इन्वेस्टिगेट करो। ये कहकर के वो शांत हो जाते हैं और अपनी बोट को वहाँ पे चलाने लगते हैं। और तभी वो उन सारे डिसाइबल से कहते हैं कि फाइनली हम लोग अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं जो कि क्विनशाइन लैंड है और ये लैंड भी एक हिडन पैराडाइज है। और तभी वो अपनी बोट वहाँ पे पार्क कर देते हैं और सारे डिसाइबल्स को करने के लिए बोल देते हैं और फिर मास्टर तियान अपने फिंगर में कुछ काउंट करने लगते हैं और उन सारे डिसाइबल्स से कहते हैं कि अभी वो युआन पवेलियन को यहाँ अपियर होने में काफी समय है और अगर तुम लोग चाहते हो क्विनशाइन लैंड में घूमना क्योंकि ये भी एक हिडन पैराडाइज है जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया है, यहाँ पे कई सारे हिडन ट्रेजर्स और कई सारे हर्ब्स तुम्हें मिल सकते हैं। एक बात का जरूर ख्याल रखना, यहाँ पे जितने सारे मैजिकल हर्ब्स होंगे और खतरा भी यहाँ पे उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। ये सुनकर के सारे डिसाइबल मास्टर तियांग को देखने लगते हैं। अभी मास्टर तियांग सारे डिसाइबल से कहते हैं कि तुम सब लोग उस पहाड़ की चोटी पे जो फ्लाइंग स्टोन को देख रहे हो ना, जैसे ही वो फ्लाइंग स्टोन चमकेगा यूं समझ लेना कि वो युआन पवेलियन यहाँ पे अपीयर हो चुका है, तो तुम लोग को जल्द से जल्द यहाँ पे आना होगा। तभी मास्टर तियान उन सारे डिसाइबल को एक जेट देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोगों को कोई भी खतरा नजर आता है जिससे तुम लोग हैंडल नहीं कर सकते हो तो तुम लोग तुरंत इस टोकन को क्रश कर देना और मैं वहाँ पे तुम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आ जाऊंगा और मुझसे वहाँ जितना बन पड़ेगा मैं वहाँ पे जरूर अपना बेस्ट दूंगा। ये सुनकर के सारे डिसाइबल उन्हें ग्रीट करके क्विनशाइन लैंड के ओर निकल जाते हैं।
प्रिंसेस मियाओ मियाओ किन नान के पीछे पीछे चल रही होती हैं और तभी उनके मन में कुछ शरारत सूझती है और वो तुरंत अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर निकालती हैं और किन्नान से कहती हैं कि किन्नान क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो। तभी बेचारा किन्नान पलट के कहता है कि आखिर तुम मुझसे कौन सा काम करवाना चाहती हो अब। फिर प्रिंसेस मियाओ मियाओ कहती हैं कि मेरे पास इस समय क्विंशनलैंड का मैप है। सुनकर के किन्नान कहता है कि आखिर तुम्हारे पास ये मैप आया कहाँ से। तभी प्रिंसेस मियाओ मियाओ कहती हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि मैं भी अब एक एल्डर बन चुकी हूँ और ये छोटी मोटी चीजें तो मैं आसानी से पा सकती हूँ। तभी वो किन्नान से कहती हैं कि किन्नान अगर तुम इस मैप को फॉलो करोगे तो तुम यहाँ पे जितने भी हिडन ट्रेजर्स हैं उन्हें पा सकते हो और साथ में तुम मेरे लिए एक और ट्रेजर को ढूंढ सकते हो। तभी किन्नान को वो स्क्रोल दे देती हैं और किन्नान से कहती हैं कि किन्नान जा करके इस स्क्रोल में जहाँ पे मैंने पॉइंट किया है ना वहाँ पे तियानजिन फ्लावर ग्रो कर रहा है, उस फ्लावर को मेरे लिए तुम लेकर के आओ। फिर किन्नान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ मगर उसके बदले तुम्हें वो एशियन लिक्विड के ड्रॉप 20 के जगह 40 मुझे देने होंगे। इस बात को सुन करके प्रिंसेस मियाओ मियाओ उसे देखने लगती हैं। तभी किन्नान कहता है अगर काम करवाना चाहती हो तो तुम्हें ऐसा करना होगा, इसलिए मुझे पता है कि अगर तुमने मुझे कोई काम दिया है तो वो काम आसान नहीं हो सकता है और अगर मैं तियानजिन फ्लावर को लेने जाऊंगा तो पक्का वहां पे मेरी बैंड बचाने के लिए कोई ना कोई गार्डियन तो होगा ही क्योंकि तुम ऐसे नॉर्मल फ्लावर्स को तो हासिल नहीं करना चाहोगी। अभी प्रिंसेस मियाओ मियाओ वहां पलट जाती हैं और कहती हैं कि इस गधे को आखिर मैं कैसे मनाऊं। फिर वो वहां पे इमोशनल ड्रामा करने लगती हैं, तुरंत पलट करके किन्नान के सामने वहां रोने लगती हैं और कहती हैं कि तुम यहां पे एक छोटी सी बच्ची को लूटने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें ऑलरेडी 20 ड्रॉप्स इस मंथ के दे चुकी हूं मगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और 40 एशियन ड्रॉप दूं। ये सुनकर के किन्नान कहता है अच्छा अच्छा ठीक है शांत हो जाओ मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तभी प्रिंसेस मियाओ मियाओ उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है वाह मेरे सर्वेंट तुम तो सच में मेरे नौकर कहलाने के लायक हो। अभी किन्नान के दिमाग की बत्ती जलती है और वो पूछता है कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ आखिर तुम इस तियानजिन फ्लावर को लेने क्यों नहीं जा रही हो। प्रिंसेस मियाओ मियाओ कहती है कि मेरे पास और भी बहुत सारे काम है करने को, बेहतर ये हुआ कि तुम जाओ और मेरे लिए वो फ्लावर लेकर के आओ। और किन्नान भी दौड़ते हुए अपनी फास्ट स्पीड से जंगल के बीचों बीच में उस मैप को फॉलो करते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे तियानजिन फ्लावर होगा मगर किन्नान देखता है कि अंदर ऑलरेडी कोई जा चुका है और तभी वो देखता है कि एक लड़की अपने गिटार से एक डीमन वुल्फ से फाइट कर रही होती है। फिर वो फोर हैंड डीमन वुल्फ उस लड़की के ऊपर भारी पड़ता है और वो उसे एक ही अटैक में पीछे ढकेल देता है और उसके बाल भी कट के वहां गिर जाते हैं और तभी वो उसके गिटार को अपने हाथ में पकड़ के उसके सामने ही तोड़ देता है जिसकी वजह से लड़की सीधा पहाड़ से जाकर के टकरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है। तभी वो डीमन वुल्फ कहता है कि आज मुझे धर्म गोश्त खाने का मौका मिला है, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना यमी गोश्त मिलेगा, आज तो मैं तुम्हें यकीनन पूरा ही निगल जाने वाला हूँ। जैसे ही वो वुल्फ डीमन उस लड़की को खाने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है किन्नान तुरंत अपनी शॉट से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वुल्फ डीमन उसे हाथ से डॉज कर देता है और उस शॉट को पहाड़ में घुसेड़ देता है और तभी किन्नान उस वुल्फ और उस लड़की के बीच में आके खड़ा हो जाता है। वो लड़की किन्नान को देख करके काफी शॉक्ड होती है। तभी वो वुल्फ डीमन किन्नान से कहता है कि तुम अभी सिर्फ हाफ स्टेप जुआन तियान रैलम पे पहुंचे हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने खड़े होकर के मेरे खाने को छीनने की कोशिश कर रहे हो। वो लड़की किन्नान से कहती है कि अगर मैं यहाँ मर जाऊं तो आप बॉडी को 7 वुमेन सेक्ट में डाल दीजिएगा और मेरी सिस्टर को दे दीजिएगा। तभी किन्नान कहता है कि मेरे रहते हुए ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। तभी किन्नान अपनी गॉड आई को एक्टिवेट करता है और उस वुल्फ डीमन की पावर को देखने लगता है कि वो 7 लेवल ऑफ ज़ियान तियान रैलम पे होता है, जिसे देख करके किन्नान कहता है इसे मारने के लिए मुझे अपनी 7 डिवाइन सॉल्ट्स को बाहर निकालना होगा। ये कह करके वो वहाँ पे प्लान बनाता है, अपने पास रखी हुई 6 डिवाइन सॉल्ट को बाहर निकालता है क्योंकि एक सॉल्ट ऑलरेडी पत्थर में गड़ी होती है और वो उन सारी शॉट को निकाल करके टीमन के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। टीमन उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत अपने हाथों से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। किन्नान से कहता है कि ऐसे मामूली से शॉट से तुम मेरा यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, कह करके वो किन्नान की 7 सोल डिवाइन शॉट्स को अपने एक एक हाथों से पकड़ने लगता है। जैसे जैसे किन्नान अटैक कर रहा था वो वुल्फ टीमन उन सारी शॉट को पकड़ लेता है और 2 शॉट को अपने पैर से दबा देता है। टोटल वो 6 शॉट को अपने हाथों और पैर से पकड़ लेता है मगर तभी किन्नान अपनी उस शॉट को बुलाता है जो शॉट उस वुल्फ डीमन ने पहाड़ में गड़ा दी थी। मगर इस गधे को ये नहीं पता होता है कि किन्नान के पास टोटल 7 शॉट है ना कि 6 शॉट,
वो तुरंत उस स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है और सीधा उस वुल्फ टीमन के पेट के अंदर घुसा देता है, क्योंकि वुल्फ टीमन यहाँ पे डिफेंस नहीं कर पाता है क्योंकि उसका हाथ पैर यहाँ पे उन सारी स्वॉर्ड को पकड़ने में ही बिजी था। और यहाँ पे वो वुल्फ टीमन का काम तमाम हो जाता है और वो वहीं पे गिर करके थाना शाही हो जाता है। किन्नान के ऐसी पावर को देख करके वो लड़की तो वहीं इम्प्रेस हो जाती है। और तभी किन्नान अपनी सेवन स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है और वो सारी की सारी स्वॉर्ड किन्नान के पास अच्छे बच्चों की तरह तुरंत आ जाती है। और तभी वो लड़की किन्नान को थैंक यू बोलती है, मगर किन्नान उसको देखता है और सिर्फ उसे मुस्कुराता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।